सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी में दोस्तों हम लाए हैं आप सभी के लिए बी एस सी थर्ड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले हम आपकी तीन क्लासेस करा चुके हैं 50-50 क्वेश्चन की, ये हमारी एक क्लासेस और है आपके कमेंट के अनुसार कि सर कुछ क्वेश्चन और दे दीजिए प्लांट ब्रीडिंग के, तो इसके लिए आपके सामने हम 50-60 क्वेश्चन से और बात करेंगे। इसलिए अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि अनिषेचन की क्रिया में भ्रूण का विकास होता है, दोस्तों वो एपिमिक्सिस होता है। एपोमिक्सिस करेक्ट आंसर जो होगा इसका कि अनिषेचन में क्रिया में भ्रूण के विकास को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी एक मैराथन क्लास 100 नंबर क्वेश्चन की और होगी, जिसको भी आप देख सकते हैं, वो आज शाम को या सुबह हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर्वप्रथम इंटर स्पेसशिप क्रॉस किसने बनाया? किसने बनाया दोस्तों? थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया, थॉमस फेयरचाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यानी बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार कब मिला? दोस्तों 1970 में मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर कपास के जनक कौन है? दोस्तों सी टी पटेल शंकर कपास के जनक हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होगा पहली धान की संकर प्रजाति किसने विकसित की? दोस्तों किसने की? बाइएल युआनलॉन्ग पिंग ने। ठीक है, बाइएल पिंग ने की चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पहला ट्रांसजेनिक पौधा किसने विकसित किया? दोस्तों किया फ्रेली ने 1983 में तम्बाकू का। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, दिया गया है कि वंशानुगत के सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों वो किया मेंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि टिप सृष्टि नरपंथा का मुख्य प्रमुख स्रोत है दोस्तों कौन सा है? वो है ज्वार। ठीक है, ज्वार। उसके बाद जर्म प्लाज्म सिद्धांत का प्रयोग किसने किया दोस्तों? जर्म प्लाज्म सिद्धांत का जो प्रयोग किया दोस्तों वो किया बिस्मैन ने जर्म प्लाज्म का उपयोग किया। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 60 होगा कि उत्पत्ति केंद्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों उत्पत्ति केंद्र सर्वप्रथम किसने किया? उत्पत्ति केंद्र का वो किया बेबीलोन ने। ठीक है, बेबीलोन ने सर्वप्रथम उत्पत्ति केंद्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा 61 जो है कि NBPGR की स्थापना कब हुई? दोस्तों NBPGR ये हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था सोल्यूशन पेपर में, हमने हल कराया इसे कि इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई है 1976 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अनुवांशिक संपदा शब्द की खोज किसने की? दोस्तों अनुवांशिक संपदा शब्द की खोज की दोस्तों फ्रैंकले ने की। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट होगा स्वपरागण की क्रिया में बीजों के विकास को कहते हैं दोस्तों, स्वपरागण की क्रिया में बीजों के विकास को क्या कहते हैं? कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कभी कभी परागण की क्रिया वाली फसलें हैं, कभी कभी परागण की क्रिया वाली फसलें कौन कौन सी हैं दोस्तों? ज्वार कपास तथा अरहर होंगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा शुद्ध वंश लाइन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? किया है जॉनसन ने। ओके, जॉनसन ने किया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि एक बार अंडाशय या वृषण बन जाने पर उसमें हार्मोन्स के द्वारा आगे की कौन सी भिन्नताएं निर्धारित होती हैं दोस्तों? कौन सी भिन्नताएं? वो लैंगिक भिन्नताएं निर्धारित होती हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सम्राट नवीनतम किस्म है दोस्तों? सम्राट जो किस्म है दोस्तों वो मूंग की है। ओके, मूंग की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई फसल जिसे भारत में व्यावसायिक बनाई गई फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए तैयार किया जाता है दोस्तों कौन सी है? वो है VT कॉटन। ठीक है, VT कॉटन जिसे अनुवांशिक संरचना परिवर्तन में जो विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रोग प्रतिरोधता को केवल एक जीन से नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, किसमें किया जाता है? वो किया जाता है एक अप्रभावी मेंडेलियन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि गेहूं में आधार क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? गेहूं में आधार क्रोमोसोम की जो संख्या होती है दोस्तों 21। ठीक है, 21। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का के अंतः प्रजातों का अनुच्छरण करते हैं, कैसे करते हैं दोस्तों? सब पोलिनेशन के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि F2 पीढ़ी में उपज के गुण के लिए वरण के प्रभावी ना होने का कारण क्या होता है दोस्तों? वो होता है अल्प वंशागति तथा वातावरण का अधीनतम प्रभाव। ठीक है, वातावरण का अधीनतम प्रभाव। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं हेट्रोवेल्टियोसिस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना प्लीज़। सो गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश एक महत्वपूर्ण प्रजाति है दोस्तों, गणेश किसकी प्रजाति है? गणेश जो है कटहल की एक प्रजाति। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट होगा कि पूसा गौरव एक उन्नतशील प्रजाति है दोस्तों, पूसा गौरव किसकी प्रजाति है? वो टमाटर की एक प्रजाति है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि
पूसा मेघाली एक उन्नत शीत प्रजाति है दोस्तों, कैसी है वो है गाजर की, पूसा मेघाली एक गाजर प्रजाति तथा पूसा गौरव हमारी टमाटर की। इसके बाद नेक्स्ट है कि धनिया है दोस्तों, धनिया कैसी है क्रॉस पॉलिनेटेड है, ओके परपरागित, धनिया हमारी परपरागित होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 होगा कि दिया गया जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दशा जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है कहलाती है दोस्तों, कौन सी कहलाती है, बहु प्रभावी, ओके पॉली ट्रोफाइली, इसके बहु प्रभावी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गुणसूत्र की संख्या घट कर आधी रह जाती है, किसने रह जाती है दोस्तों, वो रह जाती है अर्धसूत्री विभाजन में यानी मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ब्रेसिका जनसिया है दोस्तों, क्या है अपर चतुर्भुजित एलो टेट्राप्लॉयड, एलो टेट्राप्लॉयड ब्रेसिका जनसिया है। नेक्स्ट है कि क्षैतिज अवरोधिता है, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस क्या है दोस्तों, वो है रोगजनक पैथोजन की सभी प्रजातियों के प्रति प्रतिरोधी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्लोन द्वारा वर्ण प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, किस में किया जाता है, वो आलू में, ठीक है आलू में क्लोन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एकल संकरण सिंगल क्रॉस है दोस्तों, कौन सा सिंगल क्रॉस है, वो है दो अंतः प्रजातों के बीच संकरण, दो अंतः प्रजातों के बीच संकरण एकल है, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि आधारीय बीज फंडा फाउंडेशन सीड पैदा किया जाता है, किससे किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है जनक बीज यानी ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है, ओके आधारीय बीज जो है फाउंडेशन सीड जनक बीज से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा कि मटर की न्यूनतम समय में तैयार होने वाली किस्म दोस्तों, कौन सी, आर्किल, आर्किल, ठीक है। नेक्स्ट है टेंजिलो, टेंजिलो शंकर है दोस्तों, टेंजिलो जो है क्या है शंकर है, ये है टेंजरीन तथा ग्रेपफ्रूट, टेंजरीन तथा ग्रेपफ्रूट। क्वेश्चन 88 है कि पूसा क्रांति है दोस्तों, वो एक बैंगन की प्रजाति है पूसा क्रांति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया आलू की कुफरी वास्ता प्रतिरोधी है दोस्तों, वो है पछेती झुलसा के प्रति, पछेती झुलसा के प्रति प्रतिरोधी है। नेक्स्ट है शुगर बेबी प्रजाति है दोस्तों, शुगर बेबी एक तरबूज की प्रजाति है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तरबूज की अधिकांश किस्में किस वर्ग में आती हैं, तरबूज की अधिकांश किस्में दोस्तों मोनोसियस में आती हैं, मोनोसियस में आती है। नेक्स्ट होगा पूसा कोमल प्रजाति है दोस्तों, लोबिया की प्रजाति है, पूसा कोमल लोबिया की प्रजाति। इसके बाद नेक्स्ट है कि अर्का कोमल प्रजाति दोस्तों, वो है फ्रेंच बीन की, फ्रेंच बीन की अर्का कोमल, फ्रेंच बीन की तथा पूसा कोमल लोबिया की। क्योंकि दोस्तों ध्यान से आप लोग ध्यान रखना कि दो विविध जीन के रूप में पादपों के संकरण में से उत्पन्न हुई कई संकर प्रजातियां अथवा हाइब्रिडाइज उत्पन्न करने को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं प्रसंस्करण, ठीक है हाइब्रिडाइजेशन यानी कि प्रसंस्करण। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ है दोस्तों, कौन है, गुणसूत्र में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कृंतक, कृंतक बनड एक सामान्य प्रथा है दोस्तों, किसमें है, वो होती है केले की, ठीक है केले की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विजय अंबर सोना किसान प्रोटीना किसके संकुल प्रजातियाँ हैं दोस्तों, ये सब की सब मक्का की प्रजातियाँ हैं दोस्तों, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद नेक्स्ट होगा कि जीन्स पाए जाते हैं दोस्तों, जीन्स जो हैं गुणसूत्र में पाए जाते हैं, और जितनी क्लासें अभी तक हमने कराई हैं उनके सबके लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि नर तथा मादा दोनों ही प्रकार के फूल धारण करने वाले पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, मोनोसियस, ओके मोनोसियस, उभयलिंगी मोनोसियस कहते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों के आदर्श प्रूप की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट आइडियोटाइप की के प्रस्तुता है, कौन है दोस्तों, वो है सी एम डोनाल्ड, सी एम डोनाल्ड, ठीक है दोस्तों। हमारे जो 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, सो प्लीज़ गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके गाइस।